हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिमशा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्स्ट, एंड इफ़ यू आर रिटेनिंग सब्सक्राइबर, सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जो मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं वो है ये लुक। सो गाइस, ये मैंने बहुत ही इजी प्रोडक्ट से क्रिएट किया है लोग, बहुत ही इजी और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। वो लोग कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए हो तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और प्रोडक्ट की सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अगर आपको वो प्रोडक्ट्स चाहिए हो तो आप ज़रूर जाओ, देखो उनको और ख़रीद लो अगर आपको पसंद आए तो। सो आज जो मैंने लुक क्रिएट किया है, ये ग्लिटरी लुक और लुक क्रिएट किया है जो कि आप किसी भी शादी वगैरह में, किसी भी फंक्शन में आप कैरी कर सकते हो। और जो न्यूली वेड गर्ल्स हैं, जिन्होंने जिनकी नई नई शादी हुई, तो वो तो ये वाला लुक ईद पर भी कर सकती हैं। सो गाइस, विदाउट फर्दर डू एनीथिंग, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम अपने फेस को करेंगे टोन अप। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ड्रीम प्लस का टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा फेवरेट है आजकल, क्योंकि समर्स में टोनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड देन जो है, मैं यहाँ पे म्यूज़िक फ्लावर का आईब्रो पोमेड ले रही हूँ। ये ब्राउन शेड का है, ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपको किसी भी मार्केट से भी मिल सकता है ये, या तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा किसी भी पेज से। और जो है इसको, जो है मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी, थोड़े से नीचे लाइन लगाऊंगी और ऊपर। अच्छा, पोमेड ज़्यादा हैवी लगने लग जाता है तो इस पर बहुत ही ज़्यादा लाइट रह के काम करना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। देन मैं यहाँ पे क्रायलॉन की डीबी पेन स्टिक ले रही हूँ। अच्छा, ये जो इसमें टैग लगा हुआ होता है ना, इस तो इसको ज़रूर देख के लीजिएगा, ये ओरिजिनल की निशानी होती है। एंड देन मैं इससे जब अपनी आईब्रो नीट करूँगी, और आप देखें कि ये बिल्कुल मेरी स्किन के शेड का है, मतलब अगर मैं ये लगा लेती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई अलग से कोई चीज़ लगाई हुई है अपनी स्किन पे। ये बिल्कुल मेरी स्किन के टोन का है। इसमें मेरे शेड था FS45S। तो इससे मैंने अपनी आईलाइट को प्राइम भी कर लिया, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जो है ना स्टिक प्रोडक्ट जो है ना सही रहते हैं, वो इतने ज़्यादा जल्दी क्रीज नहीं करते, और अगर आप उसको सेट कर लो तो वो और भी ज़्यादा क्रीज नहीं करते। देन मैंने इसको ऊपर से भी बिल्कुल सेट कर लिया, नीट कर लिया, एंड स्पंज से भी कर लिया ताकि अगर ज़्यादा लग गया हो तो हट जाए। एंड देन मैं यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट पाउडर से ग्लैमरस फेस के, उससे इसको जो है सेट कर लूँगी अपनी आईलेट को, ताकि जो है मेरे जो आई शेडो हो वो क्रीज ना करें, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ग्लिटरी लुक। एंड देन मैंने यहाँ पे फेस इट का जो पैलेट था उसमें से ब्राउन शेड लिया है, इसको अपने क्रीज में ट्रांसफ़र कर दिया है एंड ब्लेंड कर दिया है। देन मैं यहाँ पे एक डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ, और इसको जो है अपनी क्रीज को, मतलब क्रीज के बीच में लगाऊंगी और आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी, ताकि एक अच्छा सा लुक मिल जाए, ताकि जब हम लोग अपनी क्रीज कट करेंगे तो हमें डबल शेडेड लुक चाहिए। एंड देन मैं यहाँ पे जो फाउंडेशन ले रही हूँ मिस रोज़ का, आप कोई भी कंसीलर भी ले सकते हो, फाउंडेशन भी ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है, इससे ही मैं अपनी क्रीज को जो है कट करूँगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा केयरफुली लेना है, क्योंकि अगर ये आपका ज़र से भी ख़राब हो गया तो आपकी आईलेट को पूरा ख़राब कर सकता है। तो बहुत ही पहले आप ऊपर लाइन लगा लो, देन बाद में फिल कर लेना इसको। एंड देन जो है आप जब इसको फिल कर लो तो बिल्कुल ब्लेंड कर देना, ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा लगा हो कहीं पर कम। एंड देन मैं यहाँ पर गोल्डन शेड लेकर जो है इसको लगा रही हूँ, यहाँ पर अपनी जो मैंने लगाया था कंसीलर जहाँ पर। नीचे शेड लगाने से ये होता है कि हमारा जो ग्लिटर होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। एंड देन यहाँ पे एक सीलर यूज़ कर रही हूँ, यार ये मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और इसको शेक करके यूज़ करते हैं। मुझे नाम इतना याद नहीं है, मैं इसका ना लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये थोड़ा सा लेके मैंने अपनी जहाँ पर मुझे ग्लिटर अप्लाई करना था वहाँ पर लगा दिए। अच्छा, मिस रोज़ के ग्लिटर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, लेकिन उसमें जेल होता है, लेकिन अगर आप सीलर यूज़ कर लोगे तो उसका फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर मिस रोज़ का ग्लिटर पैलेट ले रही हूँ, और उसमें से जो है गोल्डन शेड लूँगी, ये मतलब माइल्ड सा गोल्डन है, ना ज़्यादा डार्क गोल्डन है, सिल्वर गोल्डन मिक्स है, ठीक है। उसको जो है मैंने अपने लिट पर लगा, और आप देखें एकदम से ये इतना अच्छा हो गया, वरना अगर आप ग्लिटर लगाते हो ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा फॉल आउट हो जाता है। और इसलिए ही मैंने आइस मेकअप आज पहले किया है, क्योंकि हम ग्लिटर मेकअप कर रहे हैं तो आइस जो है हमें पहले ही करनी होती है, फाउंडेशन बाद में कर लेंगे वरना हटता नहीं है। देन मैं ये डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन मिक्स कर थोड़ा सा और डैप दे रही हूँ अपने मेकअप को, और इसको थोड़ा सबको ब्लेंड भी कर दूँगी, ताकि कोई हार्श लाइन ना लगे और ऐसा ना लगे कि हमारा मेकअप ब्लेंड नहीं हुआ हुआ, ठीक है गाइस। अच्छा, ब्लेंडिंग आपको इजीली करनी है, आसानी से, इतनी ज़्यादा वो नहीं करना है आपको कि आप ब्रश ग्लिटर हटा दो,
देन मैं यहाँ पे बॉब का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये जो है एक लिक्विड लाइनर है, मतलब डिप लाइनर है, तो ये जो है ना उस पर लग जाता है ग्लिटर पे, वरना अगर आप कोई भी वैसा दूसरा लाइनर यूज़ करोगे तो वो ग्लिटर पे इतनी अच्छी तरीके से नहीं लगता। देन मैं यहाँ पे लैशेस यूज़ कर रही हूँ। ये लैशेस मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी। मैंने आज सोचा है कि सारे प्रोडक्ट वो यूज़ करूँ जो कि लोकल मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो। अच्छा, लाइनर लगाने के बाद फिर मैं जो हूँ अपनी नीट करूँगी अपने लाइनर को, ताकि जो है मेरा जो लाइनर है वो थोड़ा नीट लगे, क्योंकि जब हम ग्लू लगाते हैं तो वो ग्लू थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप लाइनर से सेट कर लिया करो। देन मैं यहाँ पे मिस रोज़ की वाइट पेंसिल ले रही हूँ, उसको जो है अपनी इनर आई में लगाऊंगी। एंड देन मैं यहाँ पे फेस का मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना के स्नो ग्लो सीरम से। ये बहुत ही अच्छा है, जिसकी ऑयली स्किन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का ही परफेक्ट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अपने टी जोन पर लगाऊंगी इसको, ताकि मेरे पोर्स फिलअप हो जाए। मेरे जो पोर्स हैं वो सिर्फ टी जोन पर ही हैं, ज़्यादा मुझे पोर्स है नहीं। एंड देन मैं यहीं पे क्रायलॉन की टीवी पेन स्टिक लगाऊंगी। अच्छा, इसको आपको बहुत हौले हौले हाथ रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज होती है, लेकिन अगर आप इसको कम कम लगाओगे तो ये आपको कम कवरेज भी देगी। तो आप नेक को कभी भी मत भूलना, क्योंकि ऐसा नहीं लगे कि मुँह अलग है नेक अलग है, तो नेक पर भी लगाना। देन मैं यहाँ पर जो है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो भी एक्सेसिव हो वो ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर ले। देन मैं यहाँ पे एलेगल प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ शेड पोर्सेलिन, और ये बहुत अच्छा है, और ये मैं अपनी हाईलाइट करने के लिए लगा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, आपकी अंडर आई को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर देता है, नोज़ को भी हाईलाइट करेंगे हम अपने फोरहेड को भी। और जो है हाईलाइट करने के बाद मैं इसको जो है ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करी हूँ। ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं एकदम से ब्राइट हो गई है मेरी अंडर आइज़। एंड देन मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए ग्लैमरस फेस का कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और मैं इससे जो है एक डार्क ब्राउन शेड जो है उससे अपना जो फेस है कॉन्टोर करूँगी। अच्छा, अगर आपका मेरी तरह बड़ा सा मुँह है ना, तो कॉन्टोरिंग करना कभी भी मत भूलिएगा अपने फेस की। वैसे मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन यार करना चाहिए। अब मुझे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि मेरा मुंह बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो मैं एक ब्रश से कर रही हूँ, ये जो है ब्लेंडिंग ब्रश ही टाइप का होता है, तो इससे ही मैं ब्लेंड भी कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए ब्लेंड हो जाता है। देन मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ, क्योंकि नाक भी, यार आपकी बहन की नाक भी बहुत पकौड़ा है, तो कॉन्टोरिंग बनती है, ठीक है। इसी ब्रश से मैंने जो है अपना मेकअप सेट कर लिया है और ब्लेंडिंग भी कर ली है। एंड देन मैं जो है अपने पूरे फेस को सेट करूँगी, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स लगाए हैं तो अंडर आइज़ भी सेट करना है, फेस भी। यार बेकिंग नहीं करती मैं अपने फेस की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डोई लुक पसंद है। बेक जब हो जाता है तो आपका फेस बिल्कुल मैट लगने लग जाता है। देन मैं यहाँ पे मिस रोज़ का जो है ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से मैं पीची, और मैं सोच रही थी कौन सा लगाऊँ, मैंने सारे मिक्स करके लगा दिए धड़ धड़ करके। सो मैंने लगा दिए हैं। देन मैं यहाँ पे एक ऑरेंज रिवाजी यूके की पेंसिल है, लिप पेंसिल, तो मैं वो लगा रही हूँ। यार ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इतना सॉफ्ट एंड क्रीमी टेक्सचर की है, और ये लगाओगे ना आप तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके लिप्स क्रेक हो रहे हैं या कहीं से भी कुछ भी, बहुत अच्छी सेट हो जाती है आपके लिप्स पे। और ये इसका कलर भी बहुत ही अच्छा जा रहा था मेरे मेकअप के साथ, सो मैंने सोचा कि वाई नॉट। और अगर आपको मेरे इयररिंग्स पसंद आ रहे हैं, तो ये मैंने पेज से लिए थे, फेसबुक पेज से, तो अगर आप चाहो तो मैं उनका नंबर आई थिंक या उनका पेज की डिटेल्स वगैरह जो है डाल दूंगी। एंड देन मैं वो ग्रीन शेड लेके अपनी जो है लोअर लाइन पे भी लगा लूँगी, ताकि अच्छा लगे। एंड देन टियर्डक को भी हाईलाइट कर लेंगे, ताकि मेकअप इन्हेंस हो जाए। देन यहाँ पर मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था, मुझे नाम याद नहीं है, बहुत पुराना है ये मेरा। एंड देन मेरा यहाँ पे लुक कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय, अल्लाह हाफिज़।